पर या तो झूठ का प्रोपेगेंडा चलता है, नेता की नेतागिरी चल रही है, आपको या आपके बच्चे को मानव बम में बदलने के लिए हिंदू मुस्लिम डिबेट चलाया जाता है। आप समझ तो रहे ही होंगे कि टीवी के पास आपकी संवेदनशीलता खत्म करने की कितनी ताकत है। कोई पहला मौका तो नहीं है, इस तरह से न्यूज चैनल हजार बार कर चुके। सारा मीडिया वन साइडेड दिख रहा है और आप अपने आप को भगवान की कैटेगरी में मान चुके हैं, तो मुझे लगता है कि आप भी बड़े बायस्ड हो गए हैं। आपको भी थोड़ा सा दिमाग से अपने जो ये तमाम आपके भाव भर गए हैं उससे निकलना चाहिए और बाहर आकर कोई ढंग की बात करनी चाहिए। मैं टीवी पढ़ के ज्ञान देंगे, टीवी मत देखिए, मतलब टीवी उनको देखिए, बाकियों को मत देखिए, क्योंकि वो जो है। भले ही आप मुझे भी ना देखें लेकिन टीवी कम देखिए। लेकिन अभी चलो टीवी देखते हैं, मौत का बाथटब देखते हैं। आलोचना के बाद भी चैनलों की निर्लज्जता पर कोई असर ना पड़ेगा ना पड़ने वाला है। क्या इसमें आपकी सहमति नहीं है? ये जानने के लिए आप फेसबुक व्हाट्सएप के मैसेज चेक कीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। इन्हीं चैनलों को कुछ दिन बाद सर्वश्रेष्ठ चैनल का पुरस्कार मिल जाएगा, कोई एंकर विजेता हो जाएगा, फिर सब बधाई संदेशों के साथ ठीक हो जाएगा। इतने दिन हम लोग रिलेंटलेसली आज तक पर कवर कर रहे थे, रातों रात बैठ के 10-10 घंटे मैंने भी एंकरिंग की है। हम लोग दिखा रहे थे कि कैसे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, हमारे शहीदों के कैसे बॉडीज आए, कैसे उनके घरों पर पहुंचा, उनके घरों के लोगों से हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद हिंदुस्तान ने ये एयर स्ट्राइक्स किया, हम उसको फॉलो कर रहे थे। इस पूरे दौरान जिस कथित पत्रकार की आप बात कर रहे हैं, वो रात में 9 बजे बस बैठ कर 1 घंटा मीडिया को गाली देते थे, आज मीडिया ने ये दिखाया, आज मीडिया ने वो किया। दरअसल देखिए हुआ क्या है कि इस पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद हिंदुस्तान ने जो उसका जवाब दिया है एयर स्ट्राइक करके, उससे कई पार्टियों को और कई ऐसी पार्टियों को फॉलो करने वाले पत्रकारों को ये लग रहा है कि एजेंडा बड़ा एकतरफा हो गया है, तो वो बौखलाहट में मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको भी जरा आराम से सोचना चाहिए और ये सब बंद करना चाहिए। हम यूं ही किसी घटना से पहले या घटना के बाद भी गांव और घरों से जुड़े रहते हैं, तो हमें मालूम है उन घरों से आने वाले जो हमारे CRPF के जवान हैं, अर्धसैनिक बल के जवान हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरी है। हम इस घटना की भावना से नहीं बोल रहे हैं, मगर उनकी तकलीफ को बहुत लंबे समय से कवर किया है हम लोगों ने, इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपके जज्बातों में ईमानदारी है तो अर्धसैनिक बलों के पेंशन के लिए एक लड़ाई लड़ लीजिए। वो रिक्शा वाले, ठेले वाले, टेम्पो वाले किसान मजदूरों के घर से आते हैं, वो आ रहे हैं 3 मार्च को, और अपनी अपनी राष्ट्रभक्ति का इम्तहान उनके साथ खड़े होकर दे दीजिए और जाकर ट्वीट कीजिएगा कि प्रधानमंत्री जी हम भाषण बाद में सुन लेंगे, पहले इनको पेंशन दे दीजिए और ये जो सुविधाएं मांग रहे हैं वो दे दीजिए, ताकि हम इनसे आंख मिला सकें कि तुम्हारे अच्छे दिनों में भी हमने तुम्हारी लड़ाई लड़ी थी।